शाहरुख, हाल ही में बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार ने आपको बॉलीवुड का किंग कहा है, किंग खान कहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को? तुझमें नाम लेने की तो हिम्मत हो नहीं रही उस स्टार की। सलमान खान, शाहरुख सलमान खान है वो जो ऐसा कहते हैं, सलमान खान है। जवाब मिल गया। सलमान सुन लिया दोस्त, कितनी बारी चलाएगा? We all kind to each other, we respect each other. I think what we have achieved, and we genuinely, I'll include myself in it also, is a very individual thing. बहुत मेहनत से हमने वो कमाया है जो हमने कमाया है. हम में जो कमियाँ हैं, जो क्षतियाँ हैं, जो सही चीज़ें नहीं हैं, inclusive of all of them, we've been entertaining for many years. So there's a lot of respect. I don't think anyone means disrespect to anyone. So we all respect each other, these names, thoughts, titles, number one, number two, number five, number seven, this doesn't really matter. You know, at the end of it all, मैं सच बताऊँ, जहाँ से हम काम करते हैं वहाँ से यही होता है कि अगली वाली सही बन जाए यार, एंड ठीक ठाक हो जाए. एंड वॉट वी से इज नॉट रियली, इट्स मेंट विद गुडनेस फॉर everyone. So if you ask me a question like this, I'm thankful to anyone who thinks of me like this, anywhere in the world, and God has been kind to me. And ओके शाहरुख, अब फैल गया तू, सलमान खान की अब फैल गया. मैं नाम नहीं लूंगा, इससे सवाल पूछ लूंगा, बाइट मिल जाएगा, अब फैल जाता हूं, अब और पूछ लेता हूं. तो शाहरुख सलमान खान की नेक्स्ट क्वेश्चन, चल सलमान खान की क्वेश्चन, चल. बहुत ही धमाल मचा रही. शाहरुख एक आखिरी सवाल है, मारो ना यार, किक भी खत्म, अभी खत्म हो गया, पहले पूछ लेता, हिम्मत ही नहीं तुझे नाम लेने की, तू क्या बात कर रहा, चल हवा अंदर 250 ग्राम. चल शब्द नहीं है तेरे गिनती में, ऊपर वाला भूल गया, बस भूल गया तू चिंदी है, भूल गया तू धूल, यहां जो मिट जाएगा जल्दी से, खड़े जा तू गल. One last question this side. I apologize to interview. One last question, Salman, this side. Sorry, Shahrukh, this side. I don't know where are you speaking from. Shahrukh, this side. Kaha ho, kaha aap? Yahan. I'm literally row, sorry. Second row, right? Because yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Dipika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Dipika. I'm extremely sorry. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shahrukh? Yeah. Bondi. Security is aadmi ko baar fek do. So, Shahrukh, could you please allow me if I can ask Farah and then come back to you? Beta, jo karna hai, budda bol diya, tumne jo karna kar tu. तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा. फरा, ऐसा क्यों सोचा आपने कि 24 अगस्त 2014 को 5:15:19 पर आप सहारा स्टार होटल के नए ऑडिटोरियम में अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे? क्योंकि आपकी गणित बहुत अच्छी है इसलिए. एक्चुअली ये तो शाहरुख की आंसर कर सकते हैं, और करीम एंड करुणा एंड वेंकी, वी वांटेड, क्योंकि हमारी जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है, जैसा एक फुल हमारी कोशिश ये है कि एक क्विंटेसेंशियल अल्टीमेट बॉलीवुड फिल्म बनाएं जिसमें हर वो चीज़ है, और उस तमीज़ और उस खुशी और उस बड़प्पन के साथ है कि हमारी इज्जत बढ़े हमारे देशवासियों की. एंड इसके अंदर एक पेट्रियाटिक एंगल भी है इंडिया वाले का. हमारे दोस्त रोहित की फिल्म आ रही थी सिंघम. नॉर्मली फिल्म का ट्रेलर जो है किसी फिल्म के साथ लगाया जाता है थर्सडे फ्राइडे को, तो हर चीज़ जो है एक समा बन गया, और हमें लगा हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया वाले है, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को हमारा ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज़ होगा, एंड हमारी जो सारी टीम है उनको ऐसा लगा ये वक्त सही है, तो हमने कर दिया. और आई एम सॉरी इफ इट फील्स रॉन्ग. नो, वेरी गुड गुड, थैंक यू. इसके बाद सारे लाइन लग जाएगी इस ऑडिटोरियम में. अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, उसके पास बहुत बातें करने की. सब कुछ पोर्ट होती है तेरे भाई की, कोई साला फालतू बोल तो टक्का डालता हूँ, मार मार के फाड़ डालता हूँ, थोड़ा मुर्गा शंका देना यार. फरा, पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित, मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है, और इसीलिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा. पर यही होता है कि हर साल सब लोग, आप लोग दुबई चले जाते हो, 31 से लेकर 3 तारीख तक
सब लोग दुबई में। मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार। पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? हाँ सॉरी क्यों गए थे तुम लोग दुबई? कम बक तो यू आर तो एक बार एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई I was talking to him backstage and he's one of the most humble people I've ever met. It's only because my last few films haven't done well. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Someone like Ranbir Kapoor says his competition isn't with just actors his generation, but he's also competing with Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. Is that a competitive spirit you can relate to? Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? No, I don't have any competition. I'd be very honest. And I don't say that with immodesty or self-centered pompousness. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule.